अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आ चुका है कि आप अपना मोबाइल कहीं पे रखे भूल गए हैं या आपका मोबाइल कहीं पे चोरी हो गया है। उसके बाद लाख कोशिशों के बाद भी आप अपने मोबाइल को ना तो ढूंढ सके और ना ही आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सके। बट यहाँ पे अगर सीन ये बनता है कि आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ, कहीं पे आप रखे उसे भूल गए या कहीं पे आपका मोबाइल गिर गया है, और अगर 3 से 4 दिन के बाद आप उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन से, तो आप उसको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आईफोन यूजर्स की बात करें तो 1 साल पहले ही आईफोन ने इस चीज को लॉन्च कर दिया था कि अगर आपका मोबाइल कहीं पे गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या गिर जाता है, तो स्विच ऑफ होने की सिचुएशन के बाद भी आप अपने आईफोन को ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एंड्रॉयड यूजर वाले टोटली बेबस थे और इस सिचुएशन में कभी भी वो अपने मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाते थे जिस सिचुएशन में उनका मोबाइल पड़ा पड़ा स्विच ऑफ हो जाता था। सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड यूजर्स वालों के लिए गुड न्यूज है कि गूगल ने 1 साल के बहुत ही अच्छे तजुर्बात के बाद फाइंड माई डिवाइस का एक न्यू वर्जन जो है उसको लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, गूगल की इस कामयाब एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा एंड्रॉयड मोबाइल जो चल रहे हैं वो स्विच ऑफ होने के बाद भी ट्रैक किए जा सकते हैं। गूगल का ये नया फीचर कनाडा और US में लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी मदद से लोग अपने गुम हुए या अपने गिरे हुए मोबाइल्स को ढूंढ सकते हैं, जिसके बाद वो अपने स्विच ऑफ फोन्स को भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम में पूरी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे ये फीचर लॉन्च कर दिया जाएगा, इंक्लूडेड पाकिस्तान में भी ये फीचर आपको देखने के लिए और यूज करने के लिए मिलेगा। दोस्तों, गूगल फीचर्स की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप अपने मोबाइल को गूगल मैप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसको आप वापस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिकली ये फीचर जो है वो तमाम एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर असेस कर पाएगा, जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 से ऊपर या एटलीस्ट 9 वर्जन होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपका वर्जन 9 से नीचे है तो आप गूगल का इस फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे, और फ्यूचर में अगर आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो उसमें ये फीचर आपको बिल्ट इन मिलेगा। दोस्तों, गूगल का ये फीचर फाइंड माई डिवाइस ना कि आपके मोबाइल्स को ट्रैक करके देगा, बल्कि इसके साथ साथ ब्लूटूथ ट्रैकर्स, इसके अलावा कार कीज, वैलेट, इसके अलावा पर्सेस, बल्कि यहाँ तक नहीं, आपके पास जो भी चीज़ एंड्रॉयड वर्जन में चल रही है, बेशक वो स्मार्ट वॉचेज हो जाती है, स्मार्ट ग्लासेस हो जाती है, वो सारी ये फाइंड आउट करने की सलाहियत रखता है, और वो भी अगर आपकी डिवाइस जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है तो फिर भी उसको ट्रैक कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल्स के अलावा वो तमाम डिवाइसेस जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक अहमियत रखती है, जिसके लिए गूगल ने ये फीचर को लॉन्च करवाया है। फ्रेंड, इस ट्रैकिंग में आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो होता है कि लोकेशन शेयरिंग का। अगर आपकी डिवाइस जो है आप फाइंड आउट कर लेते हैं बट आप उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी वो मैसेज कर सकते हैं लोकेशन का कि आप जाके यहाँ पे मेरी ये डिवाइस, यहाँ पे मेरी ये चीज़ पड़ी हुई है, आप इसको चेकआउट कर लें। वो दोस्त आपका वो लोकेशन के ऊपर क्लिक करेगा, डायरेक्टली उस डिवाइस के ऊपर सेस कर लेगा और वहाँ से जाके उस चीज़ को गूगल मैप के थ्रू उठा लेगा। दोस्तों, पुराने टाइम की बात करें तो फाइंड माई डिवाइस के थ्रू आप अपने मोबाइल को रिंग करवा सकते थे, अपने मोबाइल की जो सिक्योरिटी थी उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, अपना पैटर्न को चेंज कर सकते थे या उसके अंदर जो भी अवेलेबल डेटा था उसको आप रेज कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ओल्ड वर्जन में मिलती थी, लेकिन इस फीचर्स के बाद आपकी ये परेशानी भी खत्म हो जाए, क्योंकि ओल्ड टाइम में अगर आपका मोबाइल ऑन होता था तो फिर ही आप ये फंक्शनैलिटी जो थी उसको यूज़ कर पाते थे। बट आज के टाइम में अगर आपका मोबाइल जहाँ पे वो गिर गया है, चोरी हो गया है, कहीं पे भी गया है, तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गया तो फिर भी आप उसे ट्रैक कर सकते, सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आप उसको फाइंड भी कर सकते हैं, पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, अपने डेटे को भी रेज कर सकते हैं, उसको रिंग भी करवा सकते हैं, उसकी लोकेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। दोस्तों, इस फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली और समझने वाली ये है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ फीचर्स काम नहीं कर रहा, वो डैमेज है या कोई भी उसका इशू है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ये फीचर जो है वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या वो ऑन भी होता है। क्योंकि दोस्तों, गूगल ने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि जो फाइंड माई डिवाइस का न्यू फीचर है वो आपके मोबाइल के ब्लूटूथ बीक सिग्नल्स के थ्रू ही आपके मोबाइल को फाइंड आउट कर पाता है। दोस्तों, ये थी फाइंड माई डिवाइस के रिलेटेड न्यू अपडेट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको लाजमी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो भी गूगल के इस न्यू फीचर से फायदा उठा सकें और अपना एक्सपेंसिव मोबाइल्स गुम होने से बचा सकें। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।